अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। संस्कार बहुत अच्छे से आपने बताया, लेकिन जो ज्ञान की देवी बताई जाती है वो सरस्वती बताई जाती है, और जो धन की देवी बताई जाती है वो लक्ष्मी बताई जाती है। तो आपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितनी, ज्ञान की देवी की प्राप्ति के लिए कितना काम किया वो बताएं, और धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजन करा नहीं करा वो भी बताएं। साहब जी, मुझे इस बात पर थोड़ी सी मन में एक हंसी आ रही है कि हमारे देश में प्रतिदिन स्कूलों में, मदरसों में, और यूँ समझो कि विश्वविद्यालयों में तक में सरस्वती की पूजा की जा रही है, और कब से की जा रही है, लेकिन जितने निरक्षर हमारे देश में हैं उतने सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अमरीका, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मन, जापान, उन देशों में ना सरस्वती की पूजा होती है, फिर भी वहाँ इतनी साक्षरता है, और हमारे यहाँ इतने निरक्षर क्यों है? इसलिए सरस्वती की कोई पूजा नहीं होती है, सरस्वती की पूजा हमने भी नहीं, और हम तो जड़ मूर्ति पूजा करते ही नहीं, हम तो चेतन की पूजा, आप हमारे लिए साहिब है, आप ही की पूजा करते हम। इसलिए जो सरस्वती की पूजा करने से ही देश का कभी उद्धार नहीं हुआ। इस सरस्वती की पूजा करने से यदि हो गया होता तो इस देश की 85% जनता यहाँ की निरक्षर नहीं रहती, इतनी भोंदू, इतनी गंवार 85% रही, और वो तो सरस्वती की पूजा से नहीं होता कुछ भी। ये कल्पना है, ये यूँ मान के चलो कि ब्राह्मणवाद का ही एक प्रकार का ये मतलब ये षड्यंत्र है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। सरस्वती नाम की कोई हुई नहीं, और सरस्वती नाम की कोई स्त्री हुई है तो वो ब्रह्मा की हुई, और मैं उस बात पर वहाँ तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती कहलाती है, और वहाँ कुछ जो गड़बड़ हुई वो ईशोवासी उपनिषद और दूसरे उपनिषदों में, वज्रसूची का उपनिषद में इसका उल्लेख आप वहाँ देख सकते हैं। आपने अच्छा, लक्ष्मी की भी आपने बात करी, तो लक्ष्मी की भी पूजा करते करते यहाँ इतना हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग इतने कंगाल हैं कि आज 2 जून की रोटी उनको ठीक से नहीं मिल पा रही है। यदि लक्ष्मी की पूजा करने से लोग धनवान बन जाते तब तो फिर हमारा देश अरबपति खरबपति बन जाता, विश्व का सरताज बन गया होता। इसलिए लक्ष्मी की पूजा करने से भी कुछ नहीं होता है। ये सब देवी देवता सब काल्पनिक है। यदि इन देवी देवताओं में इतनी शक्ति है तो मैं तो कहता हूँ कि ये देश की सीमा पर, पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इन देवी देवताओं को वहाँ तैनात कर दिया जाए, और हमारे सैनिकों को यहाँ बुला लिया जाए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा है। लोग हाथों में लच्छे बांधते, आपने देखा होगा, बड़े बड़े नेता अभिनेता। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये धागे क्या बोलते हैं आपके इधर, लच्छे बोलते हैं, धागे बोलते हैं, कलावा। तो ये कलावा हमारे सैनिकों को पाकिस्तान की सीमा पर, चीन की सीमा पर जो तैनात है सैनिक, उनके सबके कलावा बांध दिया जाए, और तोप तलवार बंदूक यहाँ लिया जाए, तो बाकी देश पूरा स्वतंत्र रहेगा, खतरे से बाहर रहेगा। लेकिन इनसे कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास बहुत खतरनाक है देश में। भूत प्रेत डायन चुड़े तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि, इन सब का कबीर साहब ने बहुत बुरी तरह से खंडना करी, मतलब निर्ममतापूर्वक इनको खंडना करी है। इंसान बनना है और इंसानियत की राह अपनाओ, सबसे बड़ा संदेश कबीर साहब का यही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।